चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अशोक लेलैंड 2214 का क्लच काम नहीं कर रहा है और क्या दिक्कत है उसके बारे में आपको बताते हैं। ले सकते हैं अशोक लेलैंड का 2214 सुपर मॉडल, ओल्ड मॉडल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवा कुशवाहा और मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन थ्रू सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं फिंगर को। फिंगर तो कहीं डैमेज नहीं हो गई है या फिंगर टूट तो नहीं गई है, एक बार देख लेते हैं। एडजस्टिंग करके होता है तो नहीं तो नहीं, फिर गियर उतार के देखते हैं और क्या दिक्कत है उसमें। तो हम एक बार खोल के चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एडजस्ट करके, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गियर उतारना पड़ेगा। देख सकते हैं हमने क्लच प्लेट खोल दिया है, क्लच प्लेट पूरी की पूरी घिस गई है, बिल्कुल भी लेदर उसमें नहीं बचा हुआ है। और रिलीज बैरिंग देख सकते हैं वो भी सीज हो गई है। ये प्रेशर प्लेट आप देख सकते हैं, प्रेशर प्लेट भी पूरी क्रैक हो गई है। और बिट डबल प्लेट, जिसको हम हाउसिंग प्लेट भी बोलते हैं, बिट डबल प्लेट को भी देख सकते हैं, फिंगर भी कट चुका है। इसके कारण दोस्तों गियर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। देख सकते हैं बिट डबल प्लेट भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और चलिए हम फिंगर को खोल के दिखाते हैं कैसे फिंगर को खोले हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं हमारे पास कूलर न होने के कारण हमने नए जुगाड़ किया है खोलने के लिए। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत।